नमस्कार साथियों, इस समय हम ओलंपियाड की तैयारी में हैं और ओलंपियाड की तैयारी में हमने अलग अलग विषयों की जानकारी यहाँ पर ली है। आज हम हिंदी विषय पर एक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न आधारित हल की तरफ अपन को जाना है तो हम इस टिक के माध्यम से अनेकानेक प्रश्न हल कर सकते हैं। पर हमने जैसे कुछ प्रश्न भी बना दिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, गिरीश कौन सी स्वर संधि है, प्रत्यारोपण कौन सी स्वर संधि है, इस तरह से अनेक प्रश्न को लेकर अपन इस आज के विषय पर चलेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, क्योंकि स्वर संधि की बात हम कर रहे हैं तो इधर हमने स्वर संधि स्वर लिखे आ आ ई री ए ओ औ, ये अपने स्वर हैं। हमने देखा कि यहाँ पर उपयोग होगा, हमने एक डायग्राम के सहारे समझाने का प्रयास किया है। छोटा और बड़ा मिलकर बराबर बड़ा, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री ऋषि का री ऋषि, इसी तरह आ छोटा या बड़ा या ई से मिलते हैं, छोटा या बड़ा ऊ से मिलते हैं, इसका उपयोग अभी अपन देखेंगे। ई मिलकर ए की तरफ जाते हैं, ऊ मिलकर ओ की तरफ जाते हैं। जब हम इस डायग्राम से इसको समझेंगे तो हमारी जो भी स्वर संधि के प्रकार हैं वो बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। तो स्वर संधि के पहले प्रकार पर अपन चलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। तब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो हमने जो डायग्राम बनाया आ आ धन आ आ, छोटा या बड़ा, चाहे बड़ा या छोटा या कुछ भी है, आपस में यदि जुड़ेंगे मिलेंगे तो उससे हमारा बड़ा आ बनता है। ई यदि छोटी बड़ी से मिलती है तो भी उसका परिणाम बड़ी ई के रूप में आता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, वो भी छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी से भी आपस में मिलते हैं तो उसका परिणाम बड़ा ऊ के रूप में आता है। और जब री ऋषि से मिलता है तो उसका वही परिणाम री ऋषि में आता है। अब इसके उदाहरण है, यहां पर देखिए परम धन अर्थ, ये परम में आ धन आ, छोटा या से मिला तो यहां आके उसका परिणाम बड़ा आ के रूप में हो जाता है, तो परमार्थ। अब गिरी धन ईश, छोटी ही यहां मिलती है, छोटी ही बड़ी से भी मिलती है तो उसका परिणाम बड़ी ई के रूप में होता है। और गिरी धन ईश जब मिलते हैं तो ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, वह गिरीश हो जाता है। इसी तरह जब ऊ का हम देखते हैं सु धन उक्ति, माने छोटा ऊ है और भी छोटा उसे मिलता है तो भी बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह सूक्ति बन जाता है। इस तरह से पहले स्वर संधि को हम बड़े आसानी से दीर्घ स्वर संधि को समझ सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बाद दूसरी स्वर संधि आती है गुण स्वर संधि। अब जब हमने यह डायग्राम बनाया कि छोटा ई से यदि मिलते हैं तो छोटा या बड़ा धन ई यहां पर मिले तो क्या बनता है, ई और ये यहाँ आए तो ये एडी पर जाते हैं, तो छोटा या बड़ा या धन ई, छोटी या बड़ी कुछ भी मिलेंगे वो ए रूप में परिवर्तित होंगे। इसी तरह छोटा या बड़ा यदि ऊ से, अपन ये डायग्राम देख रहे हैं, ये यहाँ पर आए हैं ऊ, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये देखते हैं कि हम यहाँ से यहाँ आए और ये दोनों मिलते हैं तो ओ के रूप में परिवर्तित होते हैं। और छोटा या बड़ा आ यदि री ऋषि से मिलते हैं, छोटा बड़ा यदि री ऋषि से मिलते हैं तो अर बनता है। इसके उदाहरण हम देख रहे हैं कि मृग धन इंद्र, ग में आ धन आया धन ई, तो किस में बदल गया, ए में, तो मृग धन इंद्र का क्या बन गया, मृगेंद्र। फिर हम देखते हैं महाधन उदय, महा माने बड़ा आया और ऊ, तो आ और ऊ मिलते हैं तो ओ बन जाते हैं, तो जब महा का बड़ा और ये ऊ मिले आ धन ऊ बराबर ओ हो गया। यहां पर हमने देखा तो महाधन उदय बराबर महोदय। इसी तरह जब हम आ धन ऋ का देखते हैं तो अर हो जाता है, तो देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, तो देव का आ धन ऋ जब मिलते हैं तो अर बन जाता है, तो देवर्षि हो जाता है। इस तरह से हम गुण स्वर संधि को समझ सकते हैं। फिर जब हम तीसरे प्रकार पर आते हैं वृद्धि स्वर संधि, बड़े थोड़े थोड़े मामूली अंतर हैं पर उनको हम जब बारीकी से इस सूत्र के माध्यम से और यहाँ पर जब देखते हैं तो बड़े आसान हो जाते हैं, जिनमें हमेशा हमको धोखा होता है। जब वृद्धि स्वर संधि में आते हैं तो छोटा या बड़ा धन ए और ऐ कुछ भी एक दूसरे में आपस में मिलेंगे तो ऐ रूप में परिवर्तित होंगे, ये हमने डायग्राम में बनाकर देखा है। फिर
फिर छोटा या बड़ा आप यदि और ओ से भी मिलते हैं तो भी वो अव में ही परिवर्तित होते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि के हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं कि तथा धन एव, तथा में बड़ा आया और ए से मिला तो ये यहां पर हमने देखा कि ए में परिवर्तित हो जाते हैं, तो तथा धन एव बराबर बने तथाएव ये बन गया। इसी तरह वन धन औषधि, वन का आ, वन में आ, धन औ, तो आ धन ओ भी किसी रूप में भी मिलेंगे, वो औ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वन धन औषधि वन औषधि। इसी तरह जब हम चौथे प्रकार में आते हैं यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि में हम देखते हैं कि ये आपस में अभी स्वर मिल रहे थे ई और ई, छोटी ई बड़ी ई है, किसी भी भिन्न स्वर से मिलेंगे तो ई और ई का या बन जाता है, किसी भी भिन्न स्वर संधि से मिलेंगे, भिन्न स्वर से मिलेंगे तो वो या बन जाता है। इसी तरह ऊ और ऊ भी किसी भिन्न स्वर से मिलेंगे तो ऊ और ऊ का वा बन जाता है, और इसी तरह री यदि मिलेगा तो री का रा बन जाता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं कि प्रति धन आरोपण, तो ई है, ई जब किसी भिन्न स्वर माने बड़ा आ एक स्वर वो भी है, तो जब उससे मिलता है तो हमने यहां पर देखा कि ई और ई का या हो जाता है, तो प्रतिधन आरोपण है तो हो गया प्रत्यारोपण, वो वहां पर जाकर वह या का रूप ले लेता है। इसी तरह जब हम देखते हैं इसमें प्रत्यारोपण को समझने के लिए भी, तो ती माने ता, धन ई, धन आ, तो ये ता और ई किसी भी दूसरे स्वर से मिला तो यह हो गया, तो वो त्या बन गया, तो प्रत्यारोपण। इस तरह हम चौथे स्वर संधि को भी समझ सकते हैं। अच्छा, पांच में स्वर संधि पर आप बन जाते हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड में जगह के कारण मैं ऐसे ही इसको बता रहा हूं यहाँ पर, कि आयाति स्वर संधि इसको हम कहते हैं। आयाति स्वर संधि में भी कुछ नहीं है, ए जब किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो अव बन जाता है, ए किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो अव बन जाता है, और बड़ा ए जब किसी भिन्न स्वर से मिलता है तो आव बन जाता है। इसी तरह ओ जब भिन्न स्वर से मिलता है तो आव बन जाता है, और जब किसी आव जब भिन्न स्वर से मिलता है तो आव बन जाता है, माने आए आए आओ आओ, इतने में हमारी पांचवी आयादि स्वर संधि बन जाती है। इसके उदाहरण है जैसे पोधन इत्र पवित्र, पोधन इत्र पवित्र, उसी तरह जब हम वर्णन करते आते हैं तो यहां पर देखेंगे कि ए जब किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो आए, बड़े ए किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो आए, ओ जब किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो आओ, और आओ जब किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो आओ। इस तरह हमने देखा कि हम छोटी छोटी चीजों में हमेशा थोड़ा सा धोखा खाते हैं। हम स्वर संधि के भेद पर आज बात कर रहे थे, तो हम एक बार इसको एक बार और रिवीजन के दृष्टि से देखते हैं कि स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इनको हम डायग्राम में जो हमने बनाया इसमें कौन से स्वर आपस में मिलकर किस रूप में परिवर्तित होते हैं और संधि का कौन सा रूप हमको मिलता है, इसके बारे में हमने समझा। हम आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे और भिन्न भिन्न विषय पर अपने कंटेंट देते रहेंगे। आप सब परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से इन छोटे छोटे विषयों को समझने का प्रयास करें और उसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम डाइट फैकल्टी के माध्यम से नित्य नए विषय पर आप सबको हम हल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।